अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द सफिशिएंट कैश मेथड और द केस ऑफ इक्वल टू बुक वैल्यू। इक्वल टू बुक वैल्यू मीन्स द रिक्वायर्ड अमाउंट ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट विच ही इज मेकिंग इन द बिजनेस फॉर एडमिशन। लेट्स स्टार्ट। इन सच केसेस नो गुडविल और नो बोनस इज देयर। देयर दिस इज द रीजन वी कॉल सच केसेस इक्वल टू बुक वैल्यू। Equal to book value means the investment brought by the partner is sufficient enough to equalize his book value. Have a look on the example. A and B are partners. They are admitting C as a new partner. This is their balance sheet. Cash and other assets are given. Capital of A and capital of B are 50 and 1 lakh. Now Mr. C is coming for 1/3 interest. Amount brought by him is not given. Amount we will calculate by ourselves. हम देखेंगे 1/3 शेयर के लिए उसको कितनी अमाउंट लानी चाहिए और वो उतना कैश लेकर आ रहा है। वी विल ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। इस मेथड में क्योंकि वो कैश लेकर आ रहा है तो उसके एडमिशन के बाद टोटल एसेट्स भी बढ़ेंगे और इक्विटीज़ की टोटल अमाउंट भी इंक्रीज हो जाएगी। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन फॉर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। इक्वल टू बुक वैल्यू या सफिशियंट कैश के केसेस में हम हमेशा टोटल कैपिटल इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑफ न्यू पार्टनर एज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन के 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। अगर नए पार्टनर का शेयर 1/3 है तो ओल्ड पार्टनर्स का जो ए और बी पहले से फर्म में है उनका शेयर कितना हुआ। 1 में से 1/3 माइनस करें, 2/3 शेयर उनका है। इन्वेस्टमेंट देखते हैं ओल्ड पार्टनर्स की कितनी है। 50,000 और 1 लाख एज गिवन टू अस इन द बैलेंस शीट। क्वेश्चन में हमें बताया गया है 50,000 और 1 लाख, टोटल 1,50,000 उनकी इन्वेस्टमेंट है। सो दिस इज देयर कैपिटल। नाउ वी विल फाइंड आउट द टोटल कैपिटल यूजिंग दिस अमाउंट एंड यूजिंग द ऑपोजिट ऑफ दिस अमाउंट। 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, इसी को ऑपोजिट कर लेंगे। टोटल कैपिटल तीनों पार्टनर्स ए बी और सी का होना चाहिए 2,25,000। व्हेन वी हैड कैलकुलेटेड द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आवर स्टेप 1 इज कंप्लीट। Step number 2 is to find out the required investment or the cash which he, the new partner, should bring to be a partner in the firm. जितना भी total capital आया और जितने interest के लिए new partner आ रहा है, हम उस interest को total capital पे multiply करके apply करेंगे and this is how we will get the amount which the new partner should bring to join the firm for 1/3 interest. तो 1/3 शेयर के लिए कम से कम मिस्टर सी को 75,000 रुपीस लाने चाहिए। स्टेप नंबर 3 में हम जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। लेट्स सी हाउ टू रिकॉर्ड दी एंट्री। कैश लेके आ रहा है, एबीसी फर्म है, जनरल हमने बनाया। प्रॉपर जनरल में जो कैश वो लेकर आया उसे डेबिट करें और कैपिटल सी को क्रेडिट करें। अब ये दो अकाउंट्स हमारी बैलेंस शीट अगर बनेगी, रिक्वायरमेंट में होगी बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, तो हम कैश में इस अमाउंट को प्लस कर देंगे और ऑनर्स इक्विटी में कैपिटल सी भी मेंशन करेंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑन द बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ मिस्टर सी। ए बी एंड सी बैलेंस शीट ऑन May 1, 2020 आफ्टर द एडमिशन ऑफ मिस्टर सी। ऑलरेडी कैश फॉर्म में 25,000 था। जो कैश मिस्टर सी लेकर आया उसको भी हमने प्लस किया तो टोटल फर्म में कैश 1 लाख हो गया। अदर एसेट्स ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 1,25,000। कैपिटल ए कैपिटल बी ऑलरेडी गिवन थे। क्योंकि ये बाय इन्वेस्टमेंट मेथड आ रहा है तो जो इन्वेस्टमेंट मिस्टर सी लेकर आया वो हम यहाँ शो करेंगे एंड दिस इज हाउ आर इक्विटीज एंड एसेट्स विल इक्वलाइज। अगर सपोज हमें अदर एसेट्स की अमाउंट ना भी दी हो तो ये ऑब्वियस है कि तीनों पार्टनर्स के टोटल में से हम कैश माइनस करेंगे तो यकीनन वो अदर एसेट्स हैं जिनकी डिटेल्स हमें क्वेश्चन में नहीं दी। तो हम इस तरह से भी अपनी बैलेंस शीट को कंप्लीट कर सकते हैं। टोटल एसेट्स 2,25,000, टोटल इक्विटीज 2,25,000 एंड दैट्स ऑल अबाउट द इक्वल टू बुक वैल्यू और सफिशियंट कैश मेथड इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग बाय इन्वेस्टमेंट मेथड। वी आर डूइंग द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बाय इन्वेस्टमेंट मेथड। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Share it with your friends. Allah Hafiz.